नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विटोबल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग को विवेकानंद विद्यापीठ का जितना भी प्रवेश स्थितियाँ हैं वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप लोग को समझ भी आ गया होगा किस किस तिथि तक आपको फॉर्म भरना है, प्रवेश परीक्षा कब होगा, वो सारी जानकारी मिल चुकी होगी। यदि आप नहीं देखे तो फिर से दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रवेश फॉर्म के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है इस फॉर्म को, तो बड़े ध्यान से दिखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये प्रवेश फॉर्म है और इसका पता दिया हुआ है। इस पते पर आप लोग क्लस्टर डाक से भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे इस पते क्लिक के और इनका अपना लोगो है विद्यापीठ रायपुर का, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है विद्यालय छात्रावास में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 17/2024 के लिए। ठीक है, आपको क्या लिखना है? छात्र का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, उसके बाद जन्म तिथि, उसके शब्दों में जन्म तिथि आपके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, या तो कक्षा 5वीं का मार्कशीट। उसके बाद छात्र का नवीनतम फोटोग्राफ रंगीन वाला होना चाहिए। छात्र का आधार नंबर होना चाहिए। इसका छायाप्रति संलग्न करना है, यानी फोटो का भी संलग्न करना है। छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उस कक्षा का नाम लिखना है यहाँ पर। छात्र का चालू हालत में मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण, जो पिछली कक्षा में आप लोग पास होकर आए हो उसका विवरण यहाँ पर देना है, उत्तीर्ण कक्षा का। उसके बाद शैक्षिक सत्र, उसके बाद पूर्व परीक्षा का प्राप्तांक, अंकों का प्रतिशत, ग्रेड और सत्यापित अंक सूची की फोटो कापी लगाना है। ठीक है, छाया प्रति लगाना। विशेष योग्यता, जैसे यदि आपके बच्चे खेल में भाग लेते हैं उसका प्रमाण पत्र भी आप लोग लगा सकते हो। कुछ जैसे मुख्यमंत्री जांच प्रोत्साहन, राष्ट्रपति व कोच, इस टाइप का प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाति, आप किस जाति से आते हो। और यहाँ एक चीज बता देता हूँ, यहाँ केवल एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो जाति भी लिखना है, उप जाति मतलब जैसे कंवर वगैरह जो भी है वो सब लिखना होगा। ठीक है, वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर टिक करना है, आप किस कैटेगरी में आते हो। उसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना है। ठीक है, पिता का व्यवसाय है, पिता का वार्षिक आय यहाँ पर देना है। माता का व्यवसाय है, माता के वार्षिक आय, यदि हाउस वाइफ है तो उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, माता पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय टोटल, इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, उसके बाद अपने घर का स्थायी पता यहाँ पर लिखना है और साथ में पिन कोड भी लिखना है। उसके बाद पालक का व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सब चीज लिखना है। पत्र व्यवहार का पता भी लिखना है, वही स्थायी पता है वही पता भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके स्थानीय अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखना है, छात्र से उनका क्या संबंध है, जैसे माता पिता के अलावा और जान पहचान के होंगे आसपास का तो उसका भी लिख सकते हो, ताकि बच्चे को लाने ले जाने में सुविधा हो। उसके बाद छात्र का ये घोषणा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ का क्या नियम कानून है वो आगे भी दिया हुआ है। यहाँ छात्र अपना साइन करेगा, यहाँ भी साइन करेगा। ठीक है, उसके बाद पालक अपना घोषणा पत्र में साइन करेगा, नाम लिखेगा, छात्र का संबंध लिखेगा। उसके बाद पालक का फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद स्थानीय अभिभावक मतलब चाचा चाची हो गया या अंकल आंटी हो गया, पास जो भी हो उसका उसका भी यहाँ पर फोटो लगेगा, ताकि बच्चे को लाने जाने में सुविधा हो। छात्रों एवं पालकों के लिए पालनी नियम, तो यहाँ पर पूरा नियम दिया हुआ है। तो आने वाले वीडियो में आप लोग को इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा, यहाँ के नियम कैसे रहते हैं, नियम कानून। ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। और इस तरह का और जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और आप लोग बड़े सावधानी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि तो फॉर्म में भी गलती नहीं होना चाहिए। और इसको आप लोग प्रिंट आउट कहीं से निकलवा लेना, यदि आपके पास प्रिंटर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या तो चॉइस सेंटर से निकलवा सकते हो। ठीक है, और भर भरा के आप रजिस्टर इस
रजिस्टर मतलब स्पीच पोस्ट से भेज सकते हो इस पते पर। ठीक है, आप लोग को मैं पहले से बता दिया हूँ, अब इसके आगे मैं आपका इसका नियम कायदा भी बताऊंगा, इसका नियम कायदा क्या होता है, वहाँ का स्कूल का डिसिप्लिन कैसी होती है, कैसे पढ़ाई होती है, वो सारी जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।